अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रज मेन्यू रेसिपी। इसमें बनाएंगे हम पफी और सॉफ्ट पूरी और साथ ही जीरे वाले आलू चटपटे से। साथ ही साथ हम बनाएंगे जीरे प्याज का रायता। ये मेन्यू आप वीकेंड्स पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट लगेगा आपको। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम पूरी के लिए डो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ले लूंगी नॉर्मल जो आटा आप इस्तेमाल करते हैं वो डालूंगी 1 कप और मैदा जो है वो 1 कप। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल आटा होता है ना वो 2 कप ले सकते हैं या मैदा ले सकते हैं 2 कप। तो उसके बाद मैं घी डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, चीनी 1.5 टीस्पून, नीम गरम दूध डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूध मैंने लिया है 1/2 कप यानी कि 125 ml। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी उतना ही जितना ही हमने दूध डाला था यानी कि 1/2 कप। ये सब चीजें हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक डो की शक्ल में इसको ले आएंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको बिल्कुल आटे की तरह ही गूंद लेना है और इसके बाद मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी 20 मिनट तक। जब तक डो रेस्ट करिए, हम बना लेते हैं चटपटे जीरे वाले आलू। तो उसको बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी भी होता है। तो जैसे ही ये मेल्ट होता है उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून जीरा। जीरा डाल देंगे हम और इसके तड़कने का इंतज़ार करेंगे। बस 2-3 सेकेंड दीजिए इसको और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन को बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। 4 से 5 चव्वे लेके उनको बारीक बारीक काट लीजिए और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है, पहले आपने हाई नहीं रखना क्योंकि ज़ीरा जल जाता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे ही ये लहसुन सुनहरी हो जाए या खुशबू देने लगे तो बस आपने साथ ही इसके अंदर डाल देंगे प्याज को। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें प्याज शामिल किया है। प्याज को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। जैसे ही ये सौटे होगा इसके अंदर हम हरी चटनी डालेंगे यानी कि धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की ये चटनी मैंने बनाई थी तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पेस्ट कह सकते हैं आप इसको या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हरी चटनी की बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी। 1 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो जाता है तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे तो ये बहुत जूसी सा मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका या 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं, सुर्ख कुटी मिर्च 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। आप चाहें तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए आप इनको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, फ्राई कीजिए। उसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। 2 लार्ज साइज के आलू लेकर मैंने वो उबाल लिए थे तकरीबन 500 ग्राम के, उनको मैंने काट लिया है तो वो हम डालेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर भी इसका आ गया है और बहुत ही मज़े के ये चटपटे से आलू लग रहे हैं। थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून। आपने इसमें लेमन जूस डालना है या 1/2 लेमन तकरीबन आप इसमें डाल दीजिए तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कटा हुआ धनिया डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और ये मज़ेदार चटपटा सा सूखा ज़ीरा आलू तैयार हो चुका है। अब हम वो डो देख लेते हैं जो हमने रेडी होने के लिए छोड़ी थी पूरियां बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं डो परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, तकरीबन लेमन के साइज़ के आप ये पेड़े बना लीजिए। उसके बाद आपने इसको बेलना है, ऐसे गोल कर लीजिए और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। आटे की पूरियां भी बिल्कुल इसी तरह तैयार होती हैं, बस आपने 1 कप मैदे को स्किप करके आपने 2 कप आटा रख लेना है तो फिर बस आपकी मज़ेदार सी खस्ता खस्ता और फूली फूली सी पूरियां तैयार हो जाएंगी। तो हम इसको पूरियां बेलना स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी आपने बिल्कुल बारीक रखनी है, हल्का सा आटा डालिए और उसको बेलना स्टार्ट कीजिए। आपकी जितनी पूरी बारीक होगी उतनी ही अच्छी फूलेगी। जो मोटी रह जाती है पूरी तो वो फूलती भी सही नहीं है और कच्ची भी रह जाती है। देखिए कितना बारीक मैंने इसको कर लिया है।
पूरी को हमने अच्छी तरह बेल लिया है और पूरी को पफ़ी और फ्लफ़ी बनाने के लिए आपको ऑयल बहुत अच्छा गर्म करना होगा और आटा आपका अच्छा गूंदा होगा तो बहुत ही अच्छी आपकी पूरी तैयार होगी। बिल्कुल इस तरह। तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करते जाएंगे वैसे ही ये फूलती जाएगी और बारीक पूरी बहुत ही जल्दी फूल जाती है। अगर आपकी पूरी फूलती नहीं है तो उसकी यही वजह होगी कि आपने आटा सही तरह गूंदा नहीं होगा और साथ साथ आपने पूरी को बारीक नहीं रखा होगा और ऑयल आपने अच्छा गर्म नहीं किया होगा। ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इसके अंदर पूरी डालेंगे तो ये पहले तह पे जाएगी और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह फूलकर ये ऊपर आ जाएगी और ये देखिए कितनी फूली और फ्लफ़ी एंड पफ़ी सी ये आपकी क्रिस्पी क्रिस्पी, और जैसे ये ठंडी होगी ये क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपनी पूरियाँ बेलते जाइए और बनाते जाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी पूरियाँ क्यों इतनी फूली फूली सी नहीं बनती हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने या तो डो अच्छी तरह गूंदी नहीं होती या तो पूरी बेलते हुए पूरी को बारीक नहीं रखा होता। अगर आप बहुत मोटी पूरी रखेंगे तो वो फूलेगी भी नहीं और कच्ची भी रह जाएगी। तो इसी तरह आपने इसको गर्म गर्म ऑयल में डालना है। ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए तो आपकी पूरी जरूर फूलेगी। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी तेजी से ये पूरी फूल जाती है अगर ऑयल गर्म हो तो। ये ब्रंच मेन्यू मैंने बनाया है, आप वीकेंड पे भी बना सकते हैं और संडे को भी ट्राई कर सकते हैं। क्विक सा रायता तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डाला है प्याज, हाफ प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टी स्पून, सूखा धनिया 1 टी स्पून, मिक्स हर्ब्स हाफ टी स्पून, जीरा 1 टी स्पून और साथ ही हाफ कप मैं दही डाल रही हूँ। फेंटा हुआ दही है ये, तो इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छा ये रायता तैयार होता है। प्याज से बहुत क्रंची सा इसका टेस्ट आएगा और साथ आप चाहे तो खीरा भी डाल सकते हैं कद्दूकश करके। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारी पूरियाँ खस्ता खस्ता क्रिस्पी पफ़ी सॉफ्ट और क्रंची भी होंगी ये, क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होती जाएंगी वैसे वैसे ये क्रंची होती जाएंगी। और साथ ही हम इसके आलू, चटपटे आलू सर्व कर लेते हैं। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा हो तो आप ये झटपट से तैयार कर सकते हैं रेसिपी, नाश्ते के तौर पे भी, लंच में भी और डिनर में भी। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, गर्मा गर्म सूखे आलू जीरा की सब्जी है और साथ ही चटपटा क्रंची सा रायता और गर्मा गर्म फूली फूली सी पूरियां। जरूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मजे मजे की ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वैरायटी की रेसिपीज वहां मिल सकती हैं। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।